दोस्तों, हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये है कि एग्ज़ाम में हमारे जो भी नंबर आते हैं, 70%, 80%, 90% या वॉट एवर, वो सिर्फ इस बेसिस पे आते हैं कि हमने एग्ज़ाम से पहले कितनी प्रिपरेशन की है। और एक हद तक आप बिल्कुल सही है, बट कम्प्लीटली नहीं। दोस्तों, हमारे जो भी मार्क्स आते हैं, लेट से अगर हमने 80% अचीव किया है, तो हम उसे 90% भी बना सकते हैं, सिर्फ अपने कॉपी को एक बेटर वे में अटेम्प्ट करके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, वो मिस्टेक जो आप यूजुअली अपने एग्जाम्स में करके आते हैं, जिसके कारण आपका मार्क्स 5 से 10% तक कम आता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आप इन मिस्टेक से तो बच ही जाएंगे, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे टेक्निक्स भी सीख जाएंगे, जिससे आप सिर्फ अपने कॉपी को एक बेटर वे में अटेम्प्ट करके 2 से 3% एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने मार्क्स में। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि हमारे आने वाली वीडियो जो हैं वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होने वाली हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीजन चल रहा है, तो हम भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम यूजुअली बुक समरीज को एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और जिस बुक को पढ़ने में शायद आपको 2 या 3 दिन लग जाए, उस बुक की समरी को हम आपके साथ सिर्फ 6 से 7 मिनट में शेयर कर लेते हैं, और आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी हैंड राइटिंग। जी हाँ, आपको सुनने में सिली लग रहा होगा, और मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था जब मैंने सुना था कि यार, अगर हम 10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का पेपर लेकर रहे हैं, तो उस टाइम क्या अपने हैंड राइटिंग को देखेंगे? बट लेटर ऑन मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी और जितना भी लोगों से बात किया है, तो मुझे ये पता चला कि हैंड राइटिंग कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, आपका पेपर जो बोर्ड एग्जामिनेशन का है या 12th का है, वो कोई ऐसा टीचर चेक करेंगे जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अगर आप अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट भी हो, तो भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और जैसे ही वो टीचर आपकी कॉपी उठाएगा चेक करने के लिए, और देखेगा कि यार इतनी बेकार राइटिंग, तो पहले ही उसका मूड ख़राब हो जाएगा। अब उसको मेहनत लगेगा चेक करने में, उसको समझ नहीं आ रहा है आपकी राइटिंग, तो जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन में वो इरिटेट होकर कॉपी चेक करेंगे, और शायद जिस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलना चाहिए, उस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे दे, और ऐसे करके अंततः आपके 2-3% कम हो जाते हैं। और ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप सोचे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत एक इजी मेथड है अपना एक इम्प्रेशन छोड़ने का टीचर के ऊपर, कि यार जब टीचर वो कॉपी ले, तो उसको रियलाइज़ हो कि यार ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है। उसको कम एफर्ट लगाना पड़े कॉपी चेक करने के लिए, और जहाँ आपको शायद 3 नंबर ही मिलने चाहिए, वहाँ वो आपको 4 नंबर भी दे दे। तो मतलब यार, आप अपने मार्क्स कटने से बचा तो रहे ही हो, साथ ही में अपने मार्क्स कुछ बढ़वा भी सकते हो। और सेकंड फैक्टर आता है कि आप अपनी कॉपी को सीरीज़ वाइज ही अटेम्प्ट करें। यहाँ मेरा सीरीज़ वाइज बोलने का मतलब है कि या तो आप 1 से 40 की ओर जाएं, या 40 से 1 की ओर आए, समझ रहे हो? या तो पहले से क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन की ओर बनाओ, या तो आखिरी क्वेश्चन से शुरू करो। अब ऐसा मत कर देना कि पहला तीसरा क्वेश्चन आपने बना दिया, उसके बाद आपने 8वां क्वेश्चन बना दिया, फिर आपने 10वां क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप अपनी कॉपी को इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, तो फिर आप टीचर को अगेन इरिटेट कर रहे हो, और वही बात आ जाती है कि जहाँ पे आपको फिर से 3 नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ आपको 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि सीरीज़ वाइज अटेम्प्ट करने का मतलब सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बनाते ही जाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, सपोज आपको 5 नहीं आ रहा है, तो आप 5 स्किप कर सकते हो, 4 एंड देन 6। अब आप उसके लिए जगह मत पर रखने जाना कि यार मैं कॉपी पे एक पेज छोड़ देता हूँ 5th के लिए, बाद में अटेम्प्ट करेंगे। वो भी थोड़ा सा आपके कॉपी के वैल्यू को घटा देता है, आपकी कॉपी के वो कहते हैं ना खूबसूरती, उसको घटा देता है। तो खैर, ये 2 फैक्टर तो आपको इसलिए था ताकि आप टीचर पे एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सके, और आपके मार्क्स को टीचर ही थोड़ा सा बेटर दे दे। अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स की, जिसके कारण हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। जी हाँ, हमने जूनियर क्लासेस में भी एक्सपीरियंस किया है, हमें क्वेश्चन तो ज़्यादातर आते रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है। हमने लास्ट 3 या 4 मंथ में बहुत पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन तो ज़्यादातर आएंगे ही,
बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम फैक्टर। देखिए, अब कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में अगर बनाने हैं तो आपके पास टाइम की कमी है। और वही यहाँ भी है, यहाँ भले ही आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं बट ये 3 आवर्स जब आप बनाने बैठोगे ना तो ये बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सैम्पल पेपर्स बना रखे हैं, और यार अगर आपने नहीं बनाए हैं ना तो फटाफट कम से कम 2 सैम्पल पेपर्स तो बना ही दो। अब मुझे पता है टाइम बहुत कम बचा है, तो उसी चीज़ को दोबारा पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना एक टेस्ट लो। ओसवाल का सैम्पल पेपर जो है वो मार्केट में मिलता है, वो बेस्ट होता है। आप जाओ जल्दी से खरीदो और 2 सैम्पल पेपर बना दो। और जब भी आप सैम्पल पेपर बना रहे हो तो इस बात का ध्यान दो कि एग्ज़ाम वाला माहौल क्रिएट करो। मतलब एक अकेले रूम में बैठ जाओ और 3 आवर्स का टाइमर सेट कर लो, और उसके बाद उस रूम को लॉक कर लो, और फिर उस रूम से निकलना 3 आवर्स के बाद, और उस टाइम आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम को देना है इस तरह से कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। इससे 2 फ़ायदा है। पहला, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपके नर्व्स थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि आपने पहले ये माहौल एक्सपीरियंस कर रखा है। और अगर आप सैम्पल पेपर्स बनाओगे तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो बिल्कुल आ जाएगा कि टाइम की कितनी कमी होती है जब आप इतने इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन में बैठते हो। तो दोस्तों, इस रिगार्डिंग जब मैंने रिसर्च किया या मैंने बुक्स ढूंढा या मैंने यूट्यूब के कई वीडियोस देखे तो मुझे ये समझ में आया कि सैम्पल पेपर एक्चुअली में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स बना रखे हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले ही। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर की ओर। ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही छोड़ता है, बट ये हमारे टीचर पे नहीं बल्कि हम पे। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये हमारे लाइफ का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चंस भी हम शायद भूल सकते हैं या जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। तो ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, नहीं बनाए हैं तो जल्दी से जल्दी कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। एंड नेक्स्ट, एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार पलट के देख लो, 2-4 क्वेश्चन देख लो कि कैसा क्वेश्चंस है, और उससे आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मुझे तो ये क्वेश्चंस आते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने 2 ही 3 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी जितने क्वेश्चन हैं हो सकता है आप सारे अटेम्प्ट कर जाओ, हो सकता है आपके 95 आ जाए, तो गॉड नोज कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, पैनिक नहीं होना है। चक दे इंडिया का एक बहुत फेमस डायलॉग याद आता है कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो ये 3 घंटे भी आपसे कोई नहीं छीन सकते। तो बस बैठ जाओ आराम से, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है और इससे ज़्यादा शायद और करने की ज़रूरत भी थी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस है और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और उम्मीद है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो मैंने जो भी टेक्निक्स बताए हैं इसको एग्ज़ाम हॉल में जाना और बिल्कुल ध्यान में रखना, और आप बहुत अच्छे से अपने पेपर्स को लिखने वाले हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को एग्जिट करके हटा दो, मैं आपको ये अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपके साथ रेगुलरली लाइफ स्किल्स और स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स लाते रहते हैं, और ये आइडियाज़ किसी न किसी बुक समरीज से इंस्पायर ज़रूर होते हैं। तो आप इन आइडियाज़ पे भी बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो फुल्ली रिसर्च मटेरियल होता है। दोस्तों, आपके वो दोस्त जो इस साल आपके ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस, 12th बोर्ड या किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं और आपको लगता है कि ये बातें उनको भी जाननी चाहिए, तो आप अपने व्हाट्सएप के जरिए या मैसेंजर के जरिए जल्दी से उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।